नन्ही कलियों को मसलने वाला दरिंदा इबरतनाक अंजाम के करीब जैनब कत्ल केस के मुजरिम इमरान को आधे घंटे बाद तख्तादार पर लटकाया जाएगा। जैनब के वालिद अमीन अंसारी, जैनब के चचा मोहम्मद अदनान समेत चार अफराद कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट डेथ वारंट पर अमल दरामद करवाने के लिए कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए। जैनब के वालिद अमीन अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगु भी की। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत, नैब हुकाम की शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले जाने की तैयारियां मुकम्मल। अपोजिशन लीडर को आज सुबह 9 बजे PIA की परवाज से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। नैब की 2 रुकनी टीम भी शहबाज शरीफ के हमराह होगी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, शहबाज शरीफ मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले, 30 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब रिपोर्ट में शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम, ठेका बोली में कामयाब होने वाली लतीफ एंड सन्स कंपनी को दिया गया। बोली में नाकाम रहने वाली किसी कंपनी ने मुकर्रर वक्त में शिकायत नहीं की। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। नैब रिपोर्ट में इल्जाम। सानेह मॉडल टाउन में मुलव्वस 147 पुलिस अहलकारों को ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक DSP, इंस्पेक्टर्स इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम अहलकारों को लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। सानेह में मुलव्वस 4 SPs को पहले ही फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया गया था। और मालदीव की 16 रुकनी क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। PCB के जनरल मैनेजर मुश्ताक अहमद ने टीम का इस्तकबाल किया। मालदीव क्रिकेट टीम एयरपोर्ट से नेशनल क्रिकेट एकेडमी सख्त सिक्योरिटी में रवाना हुई। मालदीव क्रिकेट टीम का ये दौरा 9 दिनों पर मुश्तमिल होगा। T20 टूर्नामेंट सीरीज का आगाज 18 अक्टूबर से होगा।